हेलो एवरीवन वेलकम टू नो एजुकेशन गाइस आज की ये वीडियो स्पेशली डी यू एस ओ एल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो सभी एस ओ एल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट्स ये एफ ए क्यूज़ एस ओएल ने खुद अपनी वेबसाइट पर डाले हैं तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे और आपकी सभी क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन एंड असाइनमेंट बेस्ड रिवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है तो इसका आंसर है कि ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन जो है वो सिर्फ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स सभी यू और सभी पी कोर्सेज के लिए हैं जबकि जो असाइनमेंट बेस्ड रिवोल्यूशन है वो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो सेकेंड ईयर प्रमोटेड टू थर्ड ईयर है एंड जो थर्ड ईयर के एक्स स्टूडेंट्स हैं तो इसका आंसर है कि सेकेंड ईयर प्रमोटेड टू थर्ड ईयर और थर्ड ईयर के एक्स स्टूडेंट दोनों को ही ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होना होगा यानी कि उन्हें पेपर देने होंगे थर्ड क्वेश्चन है कि फर्स्ट ईयर के जो एक्स स्टूडेंट्स हैं और जो सेकेंड ईयर के एक्स स्टूडेंट्स हैं एस टू एल के उनका क्या होगा तो इसका आंसर है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एक्स स्टूडेंट जो हैं उनको भी ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होना पड़ेगा फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि उन थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का क्या होगा जिनकी पार्ट वन पार्ट टू या पार्ट थ्री में ई ER या फिर जिन्हें इम्प्रूवमेंट के पेपर देने हैं तो इसका आंसर है इन स्टूडेंट्स को भी ओपन बुक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और इसके लिए जो डेट्स हैं वो डेट शीट से कंफर्म की जाएंगी फिर फिफ्थ क्वेश्चन है यूजी कोर्सेज के फ्रेश फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का क्या होगा तो जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं एस के उन्हें असाइनमेंट बेस्ड इवोल्यूशन करा जाएगा ए बी ई e. जिसमें आपको असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने होंगे उसी के बेसिस पर आपको प्रमोट किया जाएगा देन सिक्स क्वेश्चन है कि फर्स्ट ईयर प्रमोटेड टू सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का क्या होगा तो जो फर्स्ट ईयर प्रमोटेड टू सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं उन्हें भी असाइनमेंट बेस्ड रेबल्यूशन देना होगा यानी कि उन्हें भी असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करने होंगे ये असाइनमेंट ए फोर साइज पेपर पे देने होंगे और इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है कि असाइनमेंट कैसे देने हैं कब देने हैं वो जल्दी ही एस अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा देन सेवन्थ क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट ईयर प्रमोटेड टू सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके अगर फर्स्ट ईयर में ई आर ER हैं तो क्या होगा तो इसका आंसर है कि ऐसे केस में उन्हें सेकेंड ईयर में सिर्फ असाइनमेंट ही देकर पास कर दिया जाएगा और जो फर्स्ट ईयर की ई है उसका पेपर अगले साल यानी कि 2021 में लिया जाएगा देन एट्थ क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट ईयर प्रमोटेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी सेकेंड ईयर के लिए फीस सबमिट कर दी है लेकिन बीच में एक या दो साल का गैप है तो उन स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा तो इसका आंसर है कि ऐसे स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर प्रमोटेड टू तो सेकेंड ईयर माना जाएगा एंड उनको भी ए बी ई e, यानी कि असाइनमेंट बेस्ड एबल्यूशन देना होगा देन अगला क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के एक्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी फीस सबमिट कर दी है फर्स्ट या सेकेंड ईयर के लिए और उसमें कुछ गैप भी है एक या दो साल का तो उनका क्या होगा आंसर इज कि ऐसे स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर फेल्ड या सेकेंड ईयर फेल्ड स्टूडेंट ही कंसिडर किया जाएगा और इन्हें ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए अपियर होना पड़ेगा एज़ पर द डेट शीट देन अगला क्वेश्चन है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होगा तो इसके लिए आंसर में इन्होंने एक लिंक दे रखा है और ये जो लिंक है ये हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पर पूरी गाइडलाइंस बताई गई थी कि किस तरह से ओपन बुक एग्जामिनेशन ली जाएगी उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगी देन इलेवेंथ क्वेश्चन है कि असाइनमेंट बेस्ड रिवोल्यूशन जो है इसका क्या प्रोसेस होगा तो इसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने एक लिंक दी हुई है आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं पूरी गाइडलाइंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी मैं इन दोनों क्वेश्चंस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसके अलावा इस पूरी पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है अगर आपका वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं इसके अलावा आप नो एजुकेशन से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए आई नो आप लोग वीडियोज़ देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो so गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें